अवैध खनन के कथित मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने झारखंड और राजस्थान में बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी के रेड में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार का ठिकाना भी शामिल है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित एक मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 7वें समन का भी कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी की छापेमारी के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में खपला घोटाले का बोलबाला रहा। इस सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा और खुद मुख्यमंत्री ने माइनिंग मंत्री रहते हुए माइनिंग लीज अपने नाम कर ली। वो मामला भी अभी विचाराधीन है राज्यपाल के पास। तो हमारा मानना है कि इसे ही स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन कहते हैं। आज जितने छापे पड़ रहे हैं उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, तो किस तरीके से अधिकारी और पॉलिटिशियंस के नेक्सस ने झारखंड को लूटकर खोखला बना दिया, इसका ताजा उदाहरण जो झारखंड में वर्तमान ईडी की कार्रवाई है वो है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब जो मुख्यमंत्री जी पे ईडी का 7वां समन को उन्होंने नजरअंदाज किया, शायद वो घड़ी आ गई है जब उनको कानून का जवाब देना होगा। देखिए, माइनिंग के मामले में हाईकोर्ट ने भी पीआईएल को खारिज करने का काम किया है। उच्च न्यायालय ने जब पीआईएल भी खारिज कर दिया, उसके बाद इस मामले में अगर दबी सही ईडी की, तो कहीं ना कहीं यह साफ प्रतीत होता है कि हमें डराने का, हमें धमकाने का एक प्रयास है। और हम झारखंडी लोग हैं, हम न डरेंगे न दबेंगे न झुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। हमारा मुख्य मकसद है जनता को कैसे हम विकास की किरण पहुंचा पाए, और सरकार उसमें पूरी संजीदगी के साथ लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि कैसे हम इस राज्य के विकास को अवरुद्ध करें, तो वो ईडी को आगे करके लगातार सरकार को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही है। लेकिन वो लाख प्रयास कर ले, हम पूरी तरह इस राज्य को विकास की ओर लेकर के जाने के लिए प्रतिबद्ध है। नहीं करता कि ईडी अपनी कार्रवाई रोक देगी, और प्लस पीआईएल जो खारिज हुआ है वो मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ जो दाखिल किया है वो खारिज हुआ है। मैं ये समझता हूं कि जब से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में बनी है, तब से ईडी का जो प्रकोप है वो जारी है, और सिर्फ उसी राज्य में जिस राज्य में गैर भाजपा शासित दल राज कर रहे हैं। एक और जहां जो लोग झुक गए, जो लोग टूट गए, वो उप मुख्यमंत्री तक का पद जो है उनको सुशोभित करने के लिए दे दिया गया। लेकिन जो लोग डरे नहीं, जो लोग झुके नहीं, उनके ऊपर लगातार इस तरह का प्रयास जो है ईडी के द्वारा करवाया जा रहा है।